प्रतिभावान कलाकार एंकर अनु कपूर जी के ऊपर आरोप लगते रहे सेक्स मैनियाक होने के तौर पर और यौन शोषण करने के, यहाँ तक कि अपनी दूसरी पत्नी का वो आरोप भी इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इनका अपनी पहली पत्नी से, जो इनसे 13 साल छोटी थी अंकुमा पटेल, उनसे ही अफेयर चल रहा था दूसरी शादी करने के बावजूद भी, और जो इन्होंने फिर दूसरी पत्नी से तलाक लेके फिर अपनी पुरानी पत्नी से 15 साल बाद फिर विवाह किया और दूसरी पत्नी को प्रताड़ना दी और उसको जबरदस्ती मायके भेज दिया अपनी लड़की के साथ ताकि ये दोबारा विवाह कर सकें अनुपमा पटेल जी से। इनके साथ एक आरजे का नाम भी जुड़ा जब ये एंकरिंग कर रहे थे 92.7 में सुहाना सफर विद अनु कपूर का। 7 खून माफ में जब ये शूटिंग पर नहीं पहुंचे तो इनको स्पॉट बॉय द्वारा स्पॉट किया गया अपने मेकअप रूम में एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ अतरंग दृश्य के साथ। दोस्तों, प्रतिभा के धनी कलाकारों में नाम आता है अनु कपूर जी का और ये निर्विवाद है कि वह बेहतरीन अभिनेता, बेहतरीन एंकर, होस्ट और बहुत बढ़िया ही कमाल के बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके एक चरित्र अभिनेता हैं। इनकी ज़िंदगी के कई फलसफे विवादास्पद रहे हैं, खासतौर पर शादी इन्होंने दोनों की, दोनों शादियां लगभग नाकामयाब सी रही और इनके चर्चे रहे ज़्यादातर अपने को स्टार जूनियर आर्टिस्ट पर कमेंट्स करने या उनके यौन शोषण करने के इन पर आरोप लगते रहे शुरू से। खासतौर पर को स्टार अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ ही ज़्यादातर लिप्त पाए गए। एक बार 7 खून माफ की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा के बारे में उन्होंने टिप्पणी कर दी थी कि अगर वह खूबसूरत होते और हीरो की तरह तो प्रियंका चोपड़ा उनके साथ अत्यंत इंटीमेट सीन भी करने में गुरेज नहीं करती, नहीं तो नॉर्मल सीन करने में भी वह उनसे कतराती है। हो सकता है ये बात सच हो, मगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस पे ये आरोप बेबुनियाद लगा देना ये उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था। वैसे पहले जूनियर आर्टिस्ट शालिनी दुबे जो इनके साथ को स्टार भी थी, अनु कपूर का स्टेटस भी 1988 में एक जूनियर आर्टिस्ट का था, गिनती की ही फिल्में इन्होंने करी थी, ज़्यादा चर्चा नहीं थी। इन पर आरोप लगाया यौन शोषण का कि शादी का झांसा देके इन्होंने उसके साथ शारीरिक शोषण किया है और अब शादी के नाम पे वो झांसा दे रहे हैं। ज़्यादा मामला उछला नहीं क्योंकि दोनों ही जूनियर आर्टिस्ट थे और शालिनी दुबे तो बहुत ही छोटे छोटे रोल करती थी, इसलिए मामला वहीं दब गया था। यही आरोप इनकी एक साथी कलाकार ने 1990 में लगाया था कि इनको रोल दिलाने के बहाने, एक दो प्रोड्यूसर से मिलाने के बहाने अनु कपूर जी ने उनका शारीरिक शोषण किया, वो मामला भी दब ही गया था। तब से सनसनीखेज आरोप लगाया था इनकी दूसरी पत्नी ने, जिसने बताया कि इनका अपनी पहली तलाकशुदा पत्नी से अभी भी अफेयर चल रहा है और वो बात सच निकली। फिर इन्होंने दूसरी पत्नी को तलाक देकर अपनी पूर्व पत्नी, तलाकशुदा पत्नी से ही 2008 में दोबारा शादी करी। वैसे प्रेजेंटर के तौर पर बहुत अच्छा बोलते हैं, FM पे भी इनका प्रोग्राम आता है सुहाना सफर विद अनु कपूर। एनसाइक्लोपीडिया है ये बॉलीवुड के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के बारे में, फिल्मों के बारे में इनकी जानकारी इतनी है। संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, संगीत की बारीकियाँ और उनके बारे में कि किस राग पे आधारित गाना है, किसने कब गाया था, सारा इनके टिप्स पे रहता है। इनका जो प्रोग्राम है सुहाना सफर, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। इसको पहली बार जब सुना था लोगों को एक नई चेतना जगी थी और इसको अवार्ड भी मिले कई बार नंबर वन प्रोग्राम होने का FM पे, रेडियो पे। तो इस तरह से इनकी बहुआयामी प्रतिभा के बारे में आज जानेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में और इनके कैरियर के बारे में। मगर ये भी उन्हीं विवादास्पद अभिनेताओं में हैं जो कलाकार तो उम्दा हैं मगर अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या हैं अभिनय अलग करते हैं और इनका असली जो करेक्टर है वो अलग है। आइए दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार देतवाल फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनका पूरा अवलोकन अगर करें थोड़ा सा सारांश में, तो इनका असली नाम था अनिल कपूर और ये पैदा हुए थे 20 फरवरी 1956 में और ये असल में एक भारतीय अभिनेता हैं, गायक हैं, निर्देशक हैं, रेडियो डिस्क जॉकी हैं और ये टेलीविजन प्रेजेंटर हैं और कम से कम ये टेलीविजन सीरीज और फिल्मों में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, निर्माता भी हैं ये। अनु कपूर जी वैसे मूल रूप से एक थिएटर से जुड़े हुए थे, एक चलता फिरता ट्रैवलिंग थिएटर, पारसी थिएटर, जो इनके पिता श्री मदन लाल कपूर जी चलाते थे, जो अलग अलग राज्यों में, शहरों में जाकर नुक्कड़ नाटक वगैरह करते थे। इनके पिताजी पंजाबी परिवार से आते थे और जिनकी जड़ें पेशावर में थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। उसके बाद इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने बड़े भाई रंजीत कपूर, जो कि पहले से ही NSD में थे छात्र, उनके कहने पर एडमिशन लिया। 40 साल का इनका फिल्मी सफ़र रहा है, एक अभिनेता के तौर पर, एक निर्माता निर्देशक के तौर पर और एक गायक के तौर पर। खासतौर पर TV होस्ट और रेडियो प्रेजेंटर तो टॉप के हैं ही, अभिनय के अलावा इनको जिस चीज़ से ज़्यादा चर्चा मिली वो था इनका FM 92.7 बिग FM पे आने वाला रेडियो शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। इनको 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, 1 फिल्म फेयर अवार्ड है और 2 इंडियन टेलीविजन
एकेडमी अवार्ड मिले हैं अलग अलग श्रेणी में। दोस्तों लगभग 66 साल उम्र की अवस्था है इनकी और इनका जन्म जो है भोपाल स्टेट में हुआ था, अब मध्य प्रदेश में आता है, भारत में ही। और जगह का नाम है इटवारा। दोस्तों 1979 से अब तक ये फिल्मी सफर में सक्रिय हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, इनकी शादी अनुपमा पटेल जी से हुई थी। पहली बार से शादी हुई थी 1992 में, डिवोर्स हुआ था 1993 में, फिर 2008 में उन्हीं से दोबारा इनकी शादी हुई। रुनीता मुखर्जी जिनसे शादी की थी इन्होंने 1995 में और डिवोर्स लिया था 2005 में। कुल मिला के इनकी 4 संतानें हैं। स्वर्गीय अभिनेता ओमपुरी जी इनके बहनों ही लगते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है अनुकपूर.com के नाम से। दोस्तों अब नजर डालेंगे इनकी शुरुआती जिंदगी पर। दोस्तों जैसा कि बताया, जहाँ इनका जन्म हुआ था भोपाल में, इटवारा उस जगह का नाम था, और इनके पिताजी मदन लाल कपूर एक पंजाबी थे जिनकी जड़ें थी पेशावर में, जो कि पाकिस्तान में है, और इनकी माताजी का नाम था कमल, एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से। इनके पिताजी एक चलती फिरती पारसी थिएटर कंपनी चलाते थे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में अपने शो नुक्कड़ नाटक करती थी। माँ इनकी एक क्लासिकल सिंगर थी और उर्दू की शिक्षिका थी, जिससे घर का भरण पोषण बहुत मुश्किल से हो पाता था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल थी। इनके दादाजी का नाम कृपा राम कपूर था और वह ब्रिटिश आर्मी में एक डॉक्टर थे। इनके परदादा का नाम था स्वर्गीय लाला गंगाराम कपूर और वह एक क्रांतिकारी थे और जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए थे। दोस्तों घर की माली हालत खराब होने की वजह से इनको 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर इनकी माताजी ने 40 रुपये महीने की एक शिक्षिका की नौकरी की, उर्दू की शिक्षिका के तौर पर, उससे इनकी पढ़ाई दोबारा चालू हो सकी। अपने पिताजी के समझाने पर इन्होंने उनके थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। वहाँ काम करने के दौरान इनके भाई रंजीत कपूर ने इन्हें राष्ट्रीय नाटक विद्यालय में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने की सलाह दी, क्योंकि वह खुद रंजीत कपूर जी वहाँ पहले से ही छात्र थे। 1976 में अनु कपूर जी ने वहाँ दाखिला ले लिया। सबसे पहले अभिनय के क्षेत्र में इन्होंने बॉम्बे में एक थिएटर में 70 साल के बुजुर्ग का रोल किया था। नाटक का नाम था एक रुपया हुआ फैसला। उस वक्त इनके ऊपर नजर पड़ी श्याम बेनेगल साहब की, जो बहुत बड़े निर्देशक रहे अपने टाइम के। वह इस नाटक में अनु कपूर के अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको एक प्रशंसा का पत्र भी लिखा और अपनी फिल्म मंडी जो 1983 में आई थी उसके लिए साइन भी किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल के लिए, जो कि हिंदी फिल्मों में अनु कपूर जी का पहला ब्रेक था। अब इनके व्यक्तिगत जीवन पर अगर कुछ नजर डालें, दोस्तों अनु कपूर जी की बहन सीमा कपूर जी ने विख्यात स्वर्गीय अभिनेता ओमपुरी जी से शादी की थी और सीमा कपूर जी एक निर्माता भी थी और एक अभिनेत्री भी थी, किंतु उनकी वह शादी ओमपुरी साहब से केवल 8 महीने चली। अनु कपूर जी के बड़े भाई रंजीत कपूर एक निर्देशक और पटकथा लेखक थे। अनु कपूर जी के छोटे भाई निखिल एक लेखक और गीतकार थे। अनु कपूर जी की 2 शादियों से इनको 4 संतानें प्राप्त हुई, 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। लड़कों के नाम हैं कवन, माहिर और इवान, और लड़की का नाम है आराधिता। इनकी पत्नी अनुपमा एक अमेरिकन नागरिक थी जन्म से ही। वास्तव में इनकी पहली पत्नी अनुपमा ही थी जिससे इन्होंने तलाक लिया था, उसके बाद इनसे दोबारा शादी की थी, और इनकी पत्नी अनुपमा का उपनाम था पम्मी। अनुपमा पटेल जी से इनका लगभग 13-14 साल तक रिलेशनशिप चला था और उसके बाद इन्होंने शादी की थी और फिर तलाक लेने के बाद दोबारा 2008 में शादी की। 2 बच्चे इनके बाद में हुए, दोनों लड़के। एक लड़का अनुपमा जी से इनको पहले हुआ था, अनुपमा जी से इनको कुल 3 लड़के प्राप्त हुए। दूसरी शादी इन्होंने की थी अरुणिता मुखर्जी से 1995 में, डाइवोर्स लिया था 2005 में, उनसे इनको एक लड़की प्राप्त हुई थी। दोस्तों फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम अनु कपूर क्यों रखा, ये फिल्म तेजाब के दिनों की बात है। अनिल कपूर जी एक बहुत विख्यात एक्टर रहे हैं अपने टाइम के और जिनको बच्चा बच्चा जानते हैं हिंदुस्तान का। उनके साथ एक फिल्म इन्होंने की थी तेजाब, जिनमें इनका एक चरित्र अभिनेता का एक कॉमिक रोल था, और इस वजह से नाम में समानता होने की वजह से इन्होंने अपना नाम अनिल कपूर जी, उनका वास्तविक नाम था, उससे नाम हटाकर बदल कर अनु कपूर रख लिया था, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो इनके नामों को लेकर। दोस्तों थोड़ा सा इनके कैरियर की तरफ निगाह डालेंगे। जहाँ तक फिल्मों की बात है, एक फिल्म अमिताभ बच्चन जी की आई थी काला पत्थर 1979 में, उनमें इन्होंने एक मामूली था जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया था जिनमें इनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। उसके बाद बहुत सी फिल्मों में इन्हें रहे। फिल्म का नाम था आधारशिला 1982 की, बेताब 1983 की, मंडी 1983 और खंडर 1984। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई इनको ब्रेक थ्रू जैसे कह सकते हैं इनके कैरियर का, हुआ है उस सब फिल्म में जिसमें इन्होंने एक मालिश करने वाले का रोल किया था, बहुत ही चर्चित और
बोल्ड विषय पर बनी फिल्म थी। 1984 में फिल्म आई थी और इस फिल्म के लिए पहली बार इनको नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से। कैटेगरी का नाम था बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल। यह वह फिल्म थी पहली जिसमें इनको ये रोल को नोटिस किया गया, इनको काफ़ी सराहना मिली उस सब फिल्म में अपने मालिश करने वाले रोल के लिए। तो ये फिल्म समीक्षकों और दर्शकों की नज़रों में चढ़ते चले गए। इनकी चर्चित और बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्में आई जिनके नाम हैं मिस्टर इंडिया 1987, तेजाब 1988, रामलखन 1990, घायल 1990, हम फिल्म 1991, डर 1993, सरदार 1993, ओम जय जगदीश 2002, ऐतराज 2004 और सात खून माफ 2011। इन सभी फिल्मों में इनको फिल्म समीक्षकों ने और दर्शकों ने बहुत वाहवाही दी और ज़्यादातर फिल्में इनमें से बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही। दोस्तों, थिएटर में स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर, एक्टर के तौर पर इन्होंने अभिनय किया था 1979 में, जिसमें इन्होंने नाटक किया था एक रुका फैसला और उसी में शाइम बेनेगल साहब ने इनको नोटिस करके ब्रेक दिया था अपनी फिल्म मंडी में जो 1983 में आई थी। और एक रुका फैसला पर एक फिल्म भी बनी बाद में, उस फिल्म का नाम वही था एक रुका फैसला और इसको 1984 में रिलीज किया गया था। जिस फिल्म को जाने पर पहचाने निर्देशक वासु चटर्जी ने निर्देशित किया था और लिखा था इनके बड़े भाई रंजीत कपूर जी ने। दोस्तों, लगभग फिल्मी सफर इनका 40 साल का रहा है जिसमें शामिल है बॉलीवुड सिनेमा, टेलीविजन सीरियल्स और गेम शोज। टेलीविजन में इनको प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिली फिल्मों से भी ज़्यादा, और इन्होंने जो एक शो होस्ट किया था उसका नाम था क्लोजअप अंताक्षरी, जिसे जी टीवी ने प्रोड्यूस किया था। उस शो में इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। फिल्मों में इनका जो सबसे चर्चित और प्रसिद्ध रोल था वो फिल्म थी विक्की डोनर, आयुष्मान खुराना और यामी गौतम की डेब्यू फिल्म थी और एक अलग ही विषय पर बनी थी जिसे जॉन अब्राहम जी ने निर्माण किया था। जिस फिल्म का उसमें इनका एक रोल अलग ही टाइप से था, फिल्मी लीक से हटकर थी। अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से उस रोल को अगर बोला जाए तो वह रोल था एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पर्म बैंक फिजिशियन का। 2012 में फिल्म आई थी, बहुत ही उच्च कोटि का रोल था, परफॉर्मेंस बहुत सराहनीय थी। फिल्म समीक्षकों और दर्शकों ने इनके इस अभिनय को हाथों हाथ लिया, बहुत सराहना मिली इनको इस रोल के लिए। एक टीवी सीरियल और आया था 1989 में इनके कैरियर के प्रारंभ में, उसका नाम था किले का रहस्य, जिसमें इन्होंने एक ऐसे स्पेक्टर का रोल किया था जिसको गाने का बहुत शौक था। यह रोल भी बहुत चर्चित हुआ था और पसंद किया गया था दर्शकों द्वारा। यह एक हॉरर टीवी सीरियल था। दोस्तों, अनु कपूर जी ने 1983 में अपने रोल से प्रभावित किया था मंडी फिल्म में, फिर उस समय इनके रोल को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली और दर्शकों का वाहवाही मिली। उसके बाद काफ़ी लंबे अंतराल, 25 साल से भी ज़्यादा लंबे अंतराल के बाद इनको जिस रोल से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, जिसमें इनको पुरस्कार मिले चार चार, वो फिल्म थी 2012 में आई विक्की डोनर, जिनमें इन्होंने डॉक्टर बलदेव चड्ढा का रोल निभाया था बड़ी खूबसूरती से, जिनके लिए इनको अपने हास्य अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, आईफा अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद इनकी कुछ चर्चित फिल्में आई जैसे कि यंगला पगला दीवाना 2 2013 में, शौकीन 2014 की, सात उतके 2016 की, जोली LLB 2 2017 की, मिसिंग 2018 की, ड्रीम गर्ल 2019 की, खुदा हाफिज 2020 की और सूरज पे मंगल भारी 2020 की। दोस्तों, टेलीविजन में भी इन्होंने बहुत चर्चित काम किए जिनमें से प्रमुख है 2007 में अंताक्षरी द नेशनल चैलेंज को लॉन्च किया गया था स्टार वन पर, और इससे पहले इसका प्रीवियस जो फाइनल एपिसोड था वो टेलीकास्ट किया गया था, और प्रोग्राम का जो इनिशियल रन था इसका पहले का वो 1993 से 2006 तक था। इनको चर्चा मिली दिल्ली दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन पर आए एक सीरियल सेंट कबीर पर, जिनमें इन्होंने संत कबीर जी का लीड रोल निभाया था। एक फिल्म सरदार आई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बनी थी, उसमें गांधी का रोल इनका बड़ा चर्चित रहा। वीर सावरकर का रोल इन्होंने निभाया था काला पानी फिल्म में, और एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था प्रियंका चोपड़ा की बहुत चर्चित फिल्म सात खून माफ में, जो बॉक्स ऑफिस पर खास चल नहीं पाई, और एक छोटे मोटे चोर और मालिश करने वाले की भूमिका उत्सव में, और एक हास्य मिश्रित खलनायक का रोल निभाया था फिल्म हम में अमिताभ बच्चन की बहुत चर्चित फिल्म। दोस्तों, एक चैनल था मस्ती चैनल, उस पर इन्होंने द गोल्डन एरा विद अनु कपूर एक सीरियल किया था और जो काफ़ी टीवी शो फेमस हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कमेंट्री के रूप में अनु कपूर जी की आवाज़ होती थी और ये बॉलीवुड के लीजेंड्स के बारे में सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनाते थे गानों के बारे में और क्लासिकल एरा हिंदी फिल्म के बारे में ये जानकारी देते थे। फिल्मों से ज़्यादा ये टेलीविजन की दुनिया में ज़्यादा सक्रिय थे। इनको प्रसिद्धि मिली जब इन्होंने शो होस्ट किया था एक म्यूजिकल शो अंताक्षरी 1993 से 2005 तक, जिसमें जज भी थे और होस्ट भी थे।
और 2011 में जो आया था इनका टीवी शो गोल्डन एरा विद अनु कपूर, वो तो काफी चर्चित रहा ही था। कई टेलीविजन सीरीज बहुत चर्चित थी, जिनमें से परमवीर चक्र 1988 में और अजनबी 1994, कबीर 1995 और गुब्बारे 1999 आदि। दोस्तों अगर इनके 40 साल के पूरे फिल्मी सफर पर अभिनय क्षेत्र पर नजर दौड़ाई जाए तो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इनको फिल्मों से और टेलीविजन से नहीं मिली, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली इन्हें एक रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर। इनका एक प्रोग्राम बिग FM 92.7 पर आता है जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, जिसका इस वक्त सीजन 2 चल रहा है। पूरे देश में शो प्रसारित किया जाता है, हिंदी में है और ये रोज आता है। इसमें ये अपने दिलकश और बड़े मनमोहक अंदाज में दर्शकों को जानकारियां देते हैं हिंदी सिनेमा इतिहास के, गीत की, संगीत की, कलाकारों के बारे में और फिल्मों के बारे में, सुनी अनसुनी और यादगार के बीच में ले जाते हैं। इसमें यह हिंदी सिनेमा के जितने भी अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और नृत्य निर्देशक, गीतकार, गायक, सबके बारे में जानकारियां देते हैं। और इस शो की टैगलाइन है फिल्मी दुनिया की कई अनकही कहानियां, और ये ज़्यादातर हिंदी सिनेमा इतिहास के गौरवपूर्ण गोल्डन एरा को, स्वर्णकाल को चरितार्थ करती है। निर्देशक के तौर पर इन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया है। इसके अलावा इन्होंने अभय नामक एक फिल्म का निर्देशन किया है जो फीचर फिल्म थी, 1994 में आई थी, जिसमें मुख्य कलाकार थे नाना पाटेकर, मुनमुन सेन और बेंजामिन गिलानी। अभय का अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ है द फियरलेस, और यह फिल्म बनाई गई थी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1995 का नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। दोस्तों जहाँ तक इनका निर्माता बनने का सवाल है, इन्होंने बच्चों के लिए एक टेलीविजन शो बनाया था जिसका नाम था आओ जुमे गाए, और ये एक म्यूजिकल टैलेंट कंटेस्ट शो था। इसके अलावा इन्होंने निर्माण किया था बंगाली लैंग्वेज में म्यूजिकल टैलेंट हंट शो गान गाओ टाका नाओ, ये किया था इन्होंने कलकत्ता में रूपाशी बंगला टीवी के लिए। इसके अलावा इन्होंने निर्माण किया था एक सुनहरी शाम, एक म्यूजिकल शो का मथुरा में। यहाँ तक फिल्मों की बात है, अभी ये दरबान फिल्म एक आई थी 2020 में, G5 पर रिलीज हुई थी, उसमें नरेटर का इन्होंने रोल निभाया था। उसके अलावा 2021 में इनकी फिल्म आई थी चेहरे, जिसमें इन्होंने आनंद महंत का रोल निभाया था। इनकी एक आने वाली फिल्म है सब मोह माया है, जिसका अभी घोषित किया जाना बाकी है। 2020 में इनकी OTT पर रिलीज हुई खुदा ऑफिस में उस्मान हमीद अली मुराद का रोल बहुत चर्चित रहा था, काफ़ी पसंद किया गया था। और सूरज में मंगल भारी भी 2020 में आई थी, जिसमें उन्होंने रोल निभाया था शांताराम काका का। टेलीविजन की दुनिया में इनके जो शो चर्चित रहे, सीरियल खरी खरी, दर्पण जिसमें दो स्टोरियों में ये थे, फिर फटीचर, कबीर बताई दिया, सत्य रे, प्रेजेंट्स एक स्टोरी में थे ये, परमवीर चक्र, किले का रहस्य, क्लोजअप अंताक्षरी, चेखोव की दुनिया एक स्टोरी में नजर आए थे ये, आइडिया जलसा, व्हील स्मार्ट, श्रीमती, जुनून कुछ कर दिखाने का, और एक से बढ़कर एक, बड़ा धमाका, गोल्डन एरा विद अनु कपूर, इतिहास गवाह है जिसमें उन्होंने वॉइस ओवर दिया था, और पोरुषपुर आर्ट बालाजी के लिए, ये इनके तमाम सीरीज थी टोटल। पारसी थिएटर में जो उन्होंने नाटक किए उनमें नाम है कत्ले तमीजन, दही वाली, श्री कृष्णा अवतार, भक्त प्रहलाद, शीरीन फरियाद, हरीश चंद्रा, लैला मजनू। आधुनिक नाटकों की बात है जहां तक उन्होंने की एक रुका हुआ फैसला, द जू स्टोरी बाई एडवर्ड एलबी, द ग्रेट गॉड ब्राउन बाई ऑजिन ओनील, थ्री सिस्टर्स रिटन बाई एंटोन चेखव और डायरेक्टेड बाई ई अलकाजी, अंतिम यात्रा डायरेक्टेड बाई बैरी जॉन। दोस्तों जहाँ तक इनके पूरे करियर का सवाल है, 11 अवार्ड जीते हैं जिनकी डिटेल इस प्रकार है। इनके द्वारा निर्देशित फिल्म अभय द फियरलेस के लिए इनको 1994 में अवार्ड से नवाजा गया। पहला अवार्ड था बेस्ट डायरेक्टर का वी शांताराम अवार्ड, और दूसरा अवार्ड था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म फॉर चिल्ड्रन के लिए। दोस्तों इनके टेलीविजन शो अंताक्षरी के लिए इनको 2003 में तीसरा अवार्ड और 2004 में चौथा अवार्ड मिला बेस्ट एंकर का ITA से, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड। दोस्तों 2012 में विक्की डोनर के लिए
आई फिल्म के लिए इनको अवार्ड मिला 2013 में अवार्ड के नाम थे अप्सरा अवार्ड। श्रेणी थी बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल। इसी फिल्म के लिए इनको अवार्ड मिला आईफा की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। फिर इनको विक्की डोनर के लिए तीसरा अवार्ड मिला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। चौथा अवार्ड मिला नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का विक्की डोनर के लिए। विक्की डोनर के लिए इनको अगला अवार्ड मिला स्क्रीन अवार्ड बेस्ट कॉमेडियन के लिए। और विक्की डोनर के लिए ही मिला इनको टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। तो 11वां अंतिम अवार्ड मिला इनको 2018 में बेस्ट एक्टर का। अवार्ड का नाम था स्ट्रीमिंग अवार्ड और यह मिला था इनको होम। 2018 में आई एक वेब सीरीज जिसका नाम था होम। इन 11 अवार्डों के अलावा इनको 8 बार नॉमिनेशन मिला था जिनकी डिटेल इस प्रकार है। पहला नॉमिनेशन मिला था 1986 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिकल रोल। फिल्म का नाम था उत्सव। तो दो नॉमिनेशन मिले थे टीवी शो अंताक्षरी के लिए 2002 और 2003 में इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एंकर के लिए। दोस्तों 2013 के आईफा अवार्ड में इनको नॉमिनेट किया गया था फिल्म का नाम था विक्की डोनर। 2012 की स्क्वाड की श्रेणी थी बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए कॉमिक रोल। इसी फिल्म के लिए 2013 का जीसने अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल के लिए। फिल्म का नाम वही था विक्की डोनर। दोस्तों अगला नॉमिनेशन मिला 2014 में इनको स्टारडस्ट अवार्ड की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। फिल्म का नाम था द शौकीन। 7वां नॉमिनेशन मिला फिल्म का नाम था जॉली LLB 2। 2017 में जीत सिंह अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल। तो अपना 8वां व अंतिम नॉमिनेशन मिला वेब सीरीज होम के लिए जो 2018 में आई थी बेस्ट एक्टर इन ए वेब सीरीज। और ये इनको नॉमिनेशन मिला था इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड की तरफ से। दोस्तों इसके अलावा इनकी सफलता से उत्साहित होकर इनके बड़े भाई रंजीत कपूर और छोटे भाई निखिल कपूर दोनों भी फिल्मों में स्थापित हो गए थे। इसके अलावा ये अपने पूरे फिल्मी कैरियर में विवादों से भरे बयान देते रहे। एक बयान इन्होंने ये भी दिया था कि रेलवे प्लेटफॉर्म और शहरों के नाम नहीं बदलने चाहिए, ये गलत है। इसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी इनकी। फिर हिंदुस्तान और इंडिया का नाम जो है विदेशी लुटेरों ने दिया था, इसकी तो बहुत ही आलोचना हुई थी। बाकी सात खुन माफ के सेट पर ये रंगे हाथों पकड़े गए थे किसी जूनियर आर्टिस्ट के साथ अंतरंग हालत में, उसकी भी मीडिया में बहुत चर्चा हुई थी। पिछली बार तो ये बच गए थे क्योंकि 88 में और 90 में मीडिया इतना स्क्रीनी था, तो बाद में लेकिन इनकी आलोचना होती रही है। मगर इनको इन आलोचनाओं का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये काफ़ी नेचर से डेयर डेविल रहे हैं। दोस्तों ये जानकारी तो सारी मैंने विकिपीडिया से और यूट्यूब की कुछ साइट से ली थी। बाकी IMDb से कुछ मेरे को थोड़ा सा और भी एड ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि दो फिल्मों में इसने प्लेबैक सिंगिंग की है, जिसमें से एक फिल्म तो है कंगना रनौत की बहुत चर्चित फिल्म स्पोर्ट ड्रामा फिल्म पंगा 2020 की, और एक फिल्म है श्रीमान आशिक 1993 की। इन दोनों फिल्मों में इन्होंने गाने गाए हैं। दोस्तों खुद के रूप में आए हैं 2016 के कपिल शर्मा शो में, जो कि एपिसोड नंबर था 389 और एक ही एपिसोड में आए थे 2020 में प्रसारित हुआ था। ये एक टीवी सीरीज थी फोक स्टार्स माटी के लाल, उसमें भी ये अपने खुद के रूप में नजर आए थे। वक्त था 2015 से 2016 तक का रियलिटी टीवी शो था ये। ये अपनी तरफ का अलग ही शो था जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग राज्यों से लोग आते थे फोक सिंगर के तौर पर। पूरा शो लोकगीत गाने वाले व्यक्तित्व पर आधारित था। इसमें इनका साथ दिया था इला रुन जी ने, जो कि बहुत ज़बरदस्त लोकगीत गाती हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं फोक सिंगर के तौर पर। इसके अलावा ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी आए थे और दो एपिसोड में आए थे 2014 से लेकर 2015 तक। इसके अलावा एक टीवी सीरीज थी कुछ बातें कुछ यादें विद अनु कपूर 2015 से 2016 तक के बीच में आया था ये। यह एक म्यूजिकल टीवी सीरीज थी। इसके अलावा 1991 में दस्तक एक टीवी स्पेशल प्रोग्राम आया था 1992 नए साल का स्वागत करने के लिए, जिनमें इनके साथ टॉप आर्टिस्ट थे अरुण बख्शी, रंजीत बेदी, जसविंदर बल्ला, जानकी दास भारद्वाज, जसपाल भट्टी, प्रेम चोपड़ा, दिलराज कौर, कुलभूषण खरबंदा, शुभम खैर, किरण कुमार, श्रीराम लागू, गुरदास मान, मेहर मित्तल, प्रमोद माउथो, रजा मुराद जी, कमरजीत पेंटल, ओम प्रकाश जी, दारा सिंह रंधावा, सुमित सैगल, बॉलीवुड की अभिनेत्री शम्मी, हेमराज शर्मा जी, गजल गायक जगजीत सिंह, पंजाबी सिंगर मलकीत सिंह, जाने पहचाने नायक राजेंद्र कुमार जी जुबली स्टार, वर्षा उसकावगर बॉलीवुड अभिनेत्री, रामा मिर्ज, सुरेश वाडेकर, योगेश छाबड़ा,
वलमिंदर। दोस्तों फिल्मी जानकारी के साइक्लोपीडिया साइंटिस्ट श्री अनु कपूर जी की गाथा का समापन करता हूँ। वीडियो अत्यधिक लंबा होने का खेद है, किंतु इनकी जानकारी इतनी विविधतापूर्ण है और विवादों से घिरी हुई है कि सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल मैंने विकिपीडिया और IMDB और कुछ वेबसाइट से सभारी जानकारी उठाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नया चैनल है, आपसे नम्र निवेदन है कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वंस अगेन।